क्षेत्र में अपनी सादगी के प्रति केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हुए भी झोपड़ी नुमा घर में रहने के लिए प्रसिद्ध करिया मुंडा अब लोकसभा में नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है और वजह बताई है उनकी उम्र। इसी क्षेत्र से करिया मुंडा 1977 से लगातार चुनाव जीत रहे थे। पहली बार जीतने पर ही उन्हें तत्कालीन मोरारजी भाई देसाई के मंत्रिमंडल में जगह मिल गई थी। उसके बाद अटल जी के जमाने तक वे 3 बार मंत्री बने। आदिवासियों में गहरी पकड़ रखने वाले मुंडा का टिकट कटने के बाद भाजपा के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दिखावे के लिए राज्य भाजपा अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं ही चुनाव लड़ने की अनिच्छा जताई थी। उधर स्वयं मुंडा कहते हैं कि मैंने अपनी राय से पार्टी आला कमान को अवगत करा दिया था, आगे क्या फैसला लेना है ये उनकी मर्जी है। वैसे भी अकेले मेरा टिकट तो कटा नहीं है और भी कई नेताओं के टिकट इस बार काट दिए गए हैं। साथ में बताते चले कि टिकट कटने से पहले तक उनका भाजपा में भी काफी सम्मान था। मोदी सरकार ने हाल ही में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा है। यह अलंकरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें प्रदान किया था। राजनीतिक लहजे से करिया मुंडा भी लालकृष्ण आडवाणी के समकालीन कहे जा सकते हैं। जिस तरह इस बार उनका टिकट काटा गया है उसी तरह मुंडा भी राजनीति के शिकार हुए। सादगी इतनी कि न खुद कहीं विरोध जता रहे हैं और न ही ऐसा समूह साथ में है जो रांची से दिल्ली तक के लिए लॉबिंग करे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।